हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सीए राजेंद्र अरोड़ा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 के ओवरव्यू के बारे में। हम एक ओवरव्यू लेंगे इस पूरी रिटर्न का। सबसे पहले ये रिटर्न जो है हर रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल करनी है, चाहे उसकी टर्नओवर, उसका बिजनेस प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 17-18 में था या नहीं था। एक बार ये रिटर्न फाइल हो जाती है, रिवाइज नहीं हो सकती है। टोटल 19 टेबल्स हैं। डाटा जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। डाटा ऑटो पॉपुलेशन का बेस फॉर्म जीएसटीआर 3B, 1 और 2A में जो डाटा आ रहा है, 3B और 1 में जो आपने फिल किया और 2A में जो आपके सप्लायर ने फिल किया, वो बेस आ रहा है। डाटा ऑटो पॉपुलेट होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि आपको शायद वर्किंग ना करनी पड़े, लेकिन बुरी बात इसलिए है अगर आपने कोई डाटा गलत फीड किया हुआ है 1 या 3B में, तो वो गलत ही यहाँ पर आ जाएगा। दो इम्पॉर्टेंट बातें कि यहाँ पर इस फॉर्म 9 में आप टर्नओवर जो भी आपका छूट गया है रिपोर्ट होने से, वो तो रिपोर्ट कर सकते हो, अपना आउटवर्ड सप्लाई तो रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई इनपुट छूट गया है क्लेम होने से तो उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। उसकी लास्ट डेट जो आपकी थी वो 23rd अप्रैल 2019 थी। मार्च 2019 के 3B से आप 17-18 का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो छूट गया था आप क्लेम कर सकते थे। एक्स्ट्रा ITC अगर यहाँ पर आपने कोई लिया हुआ है ऑलरेडी, वो इस फॉर्म 9 के माध्यम से रिवर्स कर सकते हैं। कोई भी टैक्स अगर आपका बन रहा है एक्स्ट्रा सप्लाई की वजह से या एडिशनल ITC जो आपने लिया है और वो रिवर्स किया है फॉर्म 9 में, वो आपके DRC 03 के माध्यम से पे होगा। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि DRC 03 सिर्फ कैश से पे हो सकता है। इट कैन नॉट बी पेड बाय द वे ऑफ एडजस्टमेंट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। कोई भी सप्लाई या कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अगर 17-18 का है और 18-19 में 1 या 3B में डिक्लेयर किया है, तो वो टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में रिपोर्ट होगा और उसको रिपोर्ट करना कंपलसरी है। उसके बाद टेबल 8 जो है आपका फॉर्म 9 का, वो ITC लैप्स को कैलकुलेट करता है। टेबल 8 से ये डिटरमाइन होगा कि आपका ITC कितना लैप्स होना है। जो ITC आप फॉर्म 9 में लैप्स कर देंगे, वो भविष्य में आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप अपना अधिकार यहाँ पर सरेंडर करते हैं उस ITC से। टेबल नंबर 17-18 यहाँ पर जो हैं वो दो टेबल हैं। HSN वाइज इंफॉर्मेशन देनी है। आउटवर्ड सप्लाई की HSN वाइज इंफॉर्मेशन हम देते आ रहे हैं, रूल वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज की भी HSN वाइज इंफॉर्मेशन देनी है। आउटवर्ड सप्लाई में रूल लगेगा, अगर 1.5 करोड़ रुपए तक का आपके रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर है तो मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है HSN वाइज डिटेल देना। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो 2 डिजिट्स में आप देना है आपने, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 डिजिट की HSN वाइज आपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है। लेकिन टेबल 17 में आपने इनवर्ड सप्लाईज की भी डिटेल देनी है HSN वाइज। वो आपको उन इनवर्ड सप्लाईज की देनी है जिनकी वैल्यू 10% या ज़्यादा है टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ड से। अगर आपने 1 लाख रुपए की टोटल वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज हैं, तो 10,000 या उससे ज़्यादा की जो भी इनवर्ड सप्लाईज आपकी होंगी, उन्हीं की HSN वाइज इंफॉर्मेशन आपने दोस्तों देनी है। ऑटो कंप्यूट टैब नहीं चल रहा है फॉर्म 9 का अभी तक, तो इसलिए जो भी लायबिलिटी आप एडिशनल बनाएं, भले ही वो आपकी एडिशनल आउटवर्ड लायबिलिटी हो आउटवर्ड सप्लाई की वजह से, या आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स किया है उसकी वजह से, आप ध्यान दें, वो आपको खुद DRC 03 से पे करनी है, रिपोर्ट करनी है और एडजस्ट करनी है। ऑटो कंप्यूट टैब नहीं चल रहा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लायबिलिटी बन रही हो और आपको वो दिखा ना रहा हो और पोर्टल आपको अलाउ कर रहा हो कि आप अपना फॉर्म 9 फाइल कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट योर लायबिलिटी इज नॉट येट, विच इज बीइंग जनरेटेड थ्रू फॉर्म 9, इज योर नॉट येट पेड। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि लायबिलिटी के साथ फॉर्म 9 फाइल हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक GST ऑडिट फॉर्म 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पर भी हम एक ओवरव्यू का वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू।